हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हो। एंड आज का जो वीडियो है, हम नाइटफॉल के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बात करना, क्योंकि इससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे नाइटफॉल की बीमारी हो गई है। एंड वहाँ पे मुझे स्ट्राइक करता है कि ये सारे वीडियोस बनाना भी कितना ज़रूरी हो जाता है कि हम सिर्फ बॉडी बनाने के बारे में बात नहीं करें और इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। एंड मुझे लगता है कि मैं खुद आपकी एज का हूँ ऑलमोस्ट, मेरी उम्र 22.5 है। बहुत सारा जो मेरा ऑडियंस है, 70-80% जो मेरी ऑडियंस है 18-20-22-23-24 के अराउंड की है। तो मुझे लगता है कि इस एज में हमें ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि इन सारी चीज़ों के बारे में हम किसी से बात भी नहीं कर सकते। या तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, या फिर आप खुद से ही सीख सकते हैं। कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है कि हमारे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है। हमें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता, कोई गाइड नहीं करता। और ऑब्वियसली हम उतना ओपन तो अपने पेरेंट्स के साथ कभी हो नहीं हो पाते। 90-95% लोग तो उतना अपने माता पिता के साथ ओपन अप नहीं है कि ये सारी चीज़ों को डिस्कस करें घर में। एंड मैक्सिमम लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, तो ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाती। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको एक बड़ा भाई एक छोटा भाई बता के अपना जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये नाइटफॉल का जो चीज़ है वो 16-17-18 का जब मैं था तो मुझे भी बहुत एक्सेस में होता था। तब भी मैं बहुत परेशान था, एंड तब ये यूट्यूब मैं चलाता नहीं था, तो मुझे और दिक्कत होती थी। मैं पूछता रहता था जिम में जाके साइड में ट्रेनर को लेके कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या नाइटफॉल एक प्रॉब्लम है? बिकॉज यूट्यूब पे मैंने सर्च मारा अभी वीडियो बनाने से पहले नाइटफॉल, और वहाँ मैं देख रहा था नाइटफॉल को एक दिन में हटा दें, दो दिन में हटा दें। जब एक प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप एक दिन या दो दिन में कैसे हटाओगे? आप इस चीज़ को हटा कैसे सकते हो? ये नेचुरल है। आज भी 22.5 का हूँ, आज भी होता है मुझे। प्रॉपर है सब कुछ, डाइट, वर्कआउट, स्लीप, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर। मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, स्टिल होता है। क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल है। मेरी लाइफ में कुछ भी गलत तो मैं करता नहीं हूँ। आई डोंट वॉच पॉर्न, आई डोंट मास्टरबेट, स्टिल होता है। सो इट्स वेरी नेचुरल। आपको ये समझना पड़ेगा ये बीमारी नहीं है, बहुत नेचुरल है, बहुत कॉमन है, सभी को होता है। जब हम 17-18-19 के होते हैं तो ज़्यादा होता है, बिकॉज उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं। हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना हाई होता है 17-18 साल की उम्र में, इसलिए ज़्यादा होता है। एंड जब आप वर्कआउट करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि जब मैं वर्कआउट करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग जब से मैंने शुरू किया तब से ज़्यादा हो रहा है। तो वो होगा, क्योंकि आप जब वर्कआउट्स करते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छा स्लीप लेते हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, बॉडी बिल्डर्स को और ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो फिर आपकी गलती है, एंड आप ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलती है तो आप उन बाबा लोगों को, उनको बढ़ावा दे रहे हैं जो ये सारी चीज़ों में आपको उलझा के पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले ना हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर नाइटफॉल है क्या। जब आप समझ जाओगे तो आपको लगेगा कितनी छोटी सी बात है, क्योंकि मैंने कितने सारे वीडियोस में देखे हैं डिफेंस वाले लड़के जो है ना, पुलिस आर्मी डिफेंस के लड़के, उनको गिल्टी फील कराया जाता है कि ये होने से आप अच्छे से वर्कआउट नहीं करोगे, अच्छे से रनिंग नहीं करोगे। एंड मुझे लगता है कि ये कितना ज़्यादा मैनिपुलेटिव थिंकिंग है, वो कितना जो 17-18-16 साल के टीन्स हैं उनको अफेक्ट करता है। क्योंकि मेरे पास भी कितने सारे एथलीट्स प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे मैं रनिंग करने जाता हूँ, वो भी मुझसे आके ये पर्सनली सवाल करते हैं कि क्या ब्रदर इससे कुछ है, दिक्कत है। एंड मैं अमेज हो जाता हूँ कि अभी भी लोगों को लगता है कि इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है। इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती है, आप मेहनत करते हो नहीं करते हो उससे दिक्कत होती है। नाइटफॉल क्या है? इनवॉलेंट्रीली इजैकुलेशन होना। आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, वो आप सो रहे हो गया, वो आपके कंट्रोल में नहीं था, आपने कुछ नहीं किया, इसीलिए इसको वेट ड्रीम कहते हैं, आपके कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। अगर हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार मैक्सिमम होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 17-18 साल से शुरू होकर 35 साल तक होता है, 35 ईयर के मेल्स तक भी होता है, 15-20% फीमेल्स को भी होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ज़्यादा तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा पॉर्न कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा टीवी में कुछ देख रहे हैं या पॉर्न देख रहे हैं, तब ज़्यादा होगा। तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो अगर आपकी लाइफस्टाइल में पॉर्न है ज़्यादा, आप उसको कंट्रोल करो, उसको कम करो, उसको बिल्कुल देखना छोड़ दो। अगर आप टीवी पे रात को कुछ गाने ऐसे सुनते हैं उसको अगर बंद करते हो तो शायद इफ़ेक्ट पड़े, क्योंकि शायद आप रात को सोते वक्त वो सारी चीज़ें ज़्यादा सोच लेते हो, इसके कारण हो सकता है। और कोई भी, ये बीमारी का नाम इसको नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल ही छोटी चीज़ है, कॉमन चीज़ है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। वीडियो एंड होने से पहले ज़रूर मैं कुछ ऐसे सजेशंस देना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ों से मैं भी होके गुजरा हूँ। जब मैं 16-17 साल का था, आई वॉज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ पॉर्न, एंड उसी से बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा था। तो अगर आप पॉर्न कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसको बंद करेंगे, नाइटफॉल खुद ब खुद कम होने लगेगा। अब ये रियलाइज़ करेंगे एक चेंज। एंड मेरी जो 70-75% ऑडियंस है ना, वो 16-25 साल के बीच में है। इन ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे अपना फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का कोई भी ड्रीम है, मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, लॉयर बनना है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, हर कोई कोशिश कर रहा है, कोई किसी को डिफेंस में जाना है,
अब ऐसे स्टेज में अगर हम अपनी लाइफ में पॉर्न को इनविटेशन देंगे, हर दिन एक दो घंटा पॉर्न कंज्यूम करेंगे, तो अपने गोल्स की तरफ कहाँ जा पाएंगे? ये मुझे अभी रियलाइज़ होता है, जब मैं 16-17 साल का था मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है, लिटरली टाइम वेस्ट किया है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगले 6-8 महीने पॉर्न कंटेंट कंज्यूम करना बंद करके देखो। आई एम प्रीटी श्योर आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके पास लाखों पैसा आ जाएगा, बहुत बड़ी गाड़ियाँ आ जाएगी, यहाँ से आप बहुत सही हो जाओगे, यहाँ से आपकी थिंकिंग बहुत चेंज हो जाएगी, अंदर का फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ नाइटफॉल के लिए नहीं, पूरी ओवरऑल लाइफ के लिए बोल रहा हूँ। एंड सेकेंड चीज़, नाइटफॉल के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी। मेरी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस हैं, फिजिकल एक्टिविटी अभी लॉकडाउन में मान रहा हूँ, आप होम वर्कआउट करिए, डंबल्स अगर हैं डंबल्स से वर्कआउट करिए, वॉकिंग करिए। वॉकिंग इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं हर दिन इंस्टाग्राम पे डालता हूँ कि मैं आज 15,000 स्टेप चला, 20,000 स्टेप चला। मैं शो ऑफ करने के लिए नहीं डालता हूँ, मैं इसलिए डालता हूँ कि मुझे देख के कोई एक घंटा पैदल चलना शुरू कर दे, हैबिट बना ले, तो मेरे को कितनी खुशी होगी कि कोई मेरे को देख के एक अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में लेके आ रहा है। वॉकिंग इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू नाइटफॉल के लिए। हर दिन डिनर के बाद आधा घंटा वॉक कर सकते हैं, मेरी तरह जो मैं करता हूँ, हर दिन डिनर के बाद आधा ही घंटा वॉक करता हूँ, स्लो म्यूज़िक बजा लेता हूँ ताकि मेरा माइंड और रिलैक्स हो जाता है, मैं जितना भी टेंशन है मैं भूल जाऊँ, जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पढ़ाई के, एग्जाम्स के, एग्जाम में कम मार्क्स आए, जो बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है हर किसी की लाइफ में, सारा टेंशन उस टाइम पे रिलैक्स करके रात को आप इजी फील कर सकें, क्योंकि बेड पे टेंशन लेके जाने का कोई पॉइंट नहीं होता। एंड एक और चीज़ जो आप कर सकते हो, दैट इज़ जो भी आप धर्म को मानते हो, जो भी रिलीजन को मानते हो, उसके स्पिरिचुअल बुक्स थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करो। आई एम प्रीटी श्योर ये 16-17 साल में किसी को नहीं समझ में आता उतना, आप पढ़ोगे आपको लिटरली चेंजेस पता चलेंगे, आप बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करोगे। अगर रात को पढ़ोगे, 15-20 मिनट भी पढ़ते हो, कुछ एक अच्छी चीज़ सीख के जाओगे उस बुक से। कोई भी अच्छी बुक हो, कोई भी रिलीजियस बुक अच्छी चीज़ सिखाती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर से चेंजेस फील होंगे। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता नाइटफॉल, आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, मेरा अकाउंट है singa_10, आप वहाँ पे आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, मेहनत करते रहिए, दिस इज द टाइम टू वर्क हार्ड, लव यू ऑल।